हेलो फ्रेंड्स, वाई टी यानी एट कटिंग एंड स्टिचिंग चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज आपको मैं बताऊंगी कि जो 12-13 साल की जो लड़कियां होती हैं उनके पैंट की कटिंग कैसे की जाती है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उसके लिए देखिए, ये मैंने फैब्रिक लिया है और अब मैं इसको खोल के एक बार फोल्ड कर लेती हूँ। तो अब ये देखिए, ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है ये हमारा सीधा हिस्सा है और ये अंदर का है जो ये उल्टा हिस्सा है। तो हम सीधी साइड एक निशान लगा लेंगे ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना हो। और अब मैं इसको चौड़ाई की साइड से इस तरह से मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने दो बार फोल्ड किया है। दो बार फोल्ड करने के बाद इस तरह से, ठीक है, अब मैं इसको एक बार और इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ तो ये हमारे 4 फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो हम अपनी पैंट वगैरह कटिंग करते हैं और उसके ऊपर जो मार्किंग करते हैं वो हम हमेशा उल्टे हिस्से पर ही लगाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इस कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। क्योंकि मैं ये 12-13 साल की लड़की की पैंट की कटिंग करने जा रही हूँ तो इसके लिए मैं दोनों पार्ट्स आगे का और पीछे का अलग अलग नहीं निकालूंगी। इस वीडियो में मैं दोनों पार्ट्स एक साथ निकालूंगी। ठीक है, तो उसके लिए मैंने कपड़े को बराबर बिछा लिया है। बराबर बिछाने के बाद आप देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ ऊपर 2-2 इंच के ऊपर एक निशान लगा रही हूँ इस तरह से। ये मैंने 2 इंच के ऊपर एक निशान लगा दिया है और 2 इंच पर ही मैं एक निशान इस साइड लगाऊंगी इस तरह से। अब मैं इन मार्क को सीधा कर दूंगी स्केल के द्वारा। अब मैं स्केल के थ्रू इन निशानों को इस तरह से आपस में मिला दूंगी इस तरह से। ये देखिए, ये मैंने यहाँ डार्क निशान कर दिया है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये मैंने 2-2 इंच के ऊपर निशान लगाए हैं। ठीक है, और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी पैंट है उसकी लंबाई है 34 इंच। ठीक है, तो 2 इंच ऊपर से छोड़ते हुए हमें यहाँ से 34 इंच के ऊपर एक मार्क निशान लगाना है इस तरह से। ठीक है, और जो नीचे हमारी फोल्ड, ये हमने यहाँ 34 इंच के ऊपर एक निशान लगा दिया है और अब मैं इसी तरह 34 इंच पर ही यहाँ एक निशान लगाऊंगी। और अब इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला दूंगी। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल सीधा, ये मैंने इसको सीधा कर दिया है। सीधा करने के बाद अब जो हमारे नीचे की बॉटम फोल्डिंग है उसके लिए नीचे हम निशान लगाएंगे। अब देखिए, यहाँ से मैं 2 इंच के ऊपर एक निशान और लगाऊंगी ये हमारी बॉटम फोल्डिंग के लिए इस तरह से। और इन निशानों को भी मैं स्केल के द्वारा सीधा कर दूंगी इस तरह से। देखिए, मैं आप लोगों को ये स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, बिल्कुल इजी तरीका है, आप बस एक बार ध्यान से देखिएगा। ये हमने यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद अब हमें ये देखना है कि हमारी हिप कितनी है। तो हमारा हिप है 32 इंच यानी कि 32 इंच। ठीक है, तो 32 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद 8 आ जाएगा। 8 के अंदर हम 2 इंच ऐड करेंगे ठीक है। तो
टू इंच ऐड करने के बाद क्या हो गया हमारा 10 इंच, क्योंकि 8 इंच तो हमने हिप का जो 32 था उसका फोर्थ हिस्सा किया है, 4 से डिवाइड करते हैं 8 इंच, और 2 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे। तो ये मैंने यहाँ निशान लगा दिया है। ये यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है 10.5 इंच पर। और ये हाफ इंच के ऊपर हमने इस साइड मार्जिन के लिए निशान लगाए हैं हाफ इंच के ऊपर। अब इन निशानों को मैं इस तरह से सीधा कर दूंगी स्केल के द्वारा। देखिए इस तरह से, ये मैंने हाफ इंच के ऊपर निशान लगा के इनको सीधा कर दिया है। सीधा करने के बाद अब देखिए ये यहाँ मैंने 10 इंच के ऊपर निशान लगा दिया है, ठीक है। आधा इंच जो हमारा ये मार्जिन का था, इसलिए ये 10.5 इंच है, ठीक है। और अब 10 इंच के ऊपर मैं यहाँ भी एक निशान लगाऊंगी इस तरह से, ठीक है। और ऊपर से हम 10 इंच ये और 1 इंच हम आसन के लिए और ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 11 इंच। और इस साइड भी हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आप इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे। और जो ये वाला निशान था इसे भी हम यहाँ 10 इंच के ऊपर इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। अब हम इन निशानों को भी आपस में मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। और अब यहाँ से हम आगे 2 इंच क्रोच एरिया के लिए लेंगे हम, और 1 इंच अंदर की साइड हम निशान लगाएंगे, और यहाँ से हम इसको इस तरह से गोलाई देंगे, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद ही देखिए ये जो हमारा 10 इंच है इसका हम हाफ करेंगे, तो ये हमारा आया 5 इंच, ठीक है। यहाँ पर 5 इंच आने के बाद जो हमारी नीचे बॉटम फोल्डिंग है वहाँ पर भी हमें इसका हाफ ही करना है, तो यहाँ पर भी मैं 5 इंच के ऊपर एक निशान लगाऊंगी इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। और जो अब हमारी मोहरी है वो है हमारी 8 इंच, ठीक है। तो 8 इंच की जगह हम 4 इंच इस साइड और 4 इंच हम इस रखेंगे यहाँ इस तरह से, ठीक है। ये देखिए यहाँ तक ये हमारा हो चुका है, ठीक है। अब जो हमारा लक्ष्य पर है उसके द्वारा ही देखिए यहाँ से यहाँ इन निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे, ये हमने इसको यहाँ मिला दिया है लक्षेपर के थ्रू। अब हम इसको इस तरह से पलट के यहाँ क्रोच एरिया की तरफ रखेंगे और इन दोनों निशानों को भी इससे मिला देंगे इस तरह से, देखिए। ये हमने इसके निशान लगा दिए हैं, और जहाँ से हमने इसके ऊपर निशान लगाए हैं वहीं से अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ।
तो ये देखिए, ये हमारी पैंट की कटिंग हो चुकी है। यहाँ से हमारा ज्वाइंट है कपड़ा, तो इसको हम यहाँ से अलग कर देंगे। इस तरह से, ठीक है। और यह हमारे पैंट की कटिंग हो चुकी है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।